क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल विच कैन बी जस्ट बियर ए टेंशन एन टाइम्स ऑफ इट्स वेट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2.8 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लिया जाए मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये है और इसके ऊपर जो चेन है ना वो ऐसे लटकी हुई है ये, क्लियर। आगे कहना चाह रहा है कि सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा कितना है ए और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है बी, और मेरे को गिवन है, गिवन क्या है भाई, गिवन दैट लेंथ ऑफ द चेन कितनी है भाई इज इक्वल टू एल। ओके आगे देखता हूँ, मैंने पूरी कॉमन कैटेनरी को जनरेट किया, ये मेरी हो चुकी कॉमन कैटेनरी पूरी की पूरी कंप्लीट। ये वाला पॉइंट मैंने ओ मान लिया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश मान लिया। ओके यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा यानी टेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये डाली, ये वाला एंगल आपको पता है कि साई होता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ की बात की मैंने भाई, जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल ये मेरा साई है। ये वाला जो यहाँ पे जो तनाव है ऊपर की तरफ तनाव कितना होगा ये मान लिया मैंने टी, ठीक इसी तरीके से इस तरफ जो तनाव है इसको मान लिया मैंने टी, क्लियर है ना, समझ आ चुकी। इस पॉइंट को मान लिया मैंने कितना सी, और आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है मेरे पास सी, ये आपको पता है। इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने सपोज दैट पी मान लिया, और ये मेरी होती है वाई एक्सिस, क्लियर है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, आगे की तरफ देखता हूँ, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल सैग, मेरे को सिद्ध करना है लीस्ट पॉसिबल सैग, यानी कि सैग लाना है मेरे को, सैग बराबर कितना है लाना है एल इंटू एन माइनस अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन बाई फोर, मेरे को ये लाना है सैग। जाहिर सी बात है जो सैग होता है ना आपके सामने है, सैग का मतलब कितना है भाई, यही तो होता है सैग। मेरे को दिखाना है कि टू प्रूव दैट, क्या दिखाना है भाई, टू प्रूव दैट सैग, मेरे को दिखाना है कि पी सी इज इक्वल टू जो होना चाहिए कम से कम एल इंटू एन माइनस अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन बाई फोर, क्लियर। एक क्वेश्चन के अंदर और भी दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है कहना चाह रहा है कि विच कैन बी जस्ट बियर ए टेंशन एन टाइम ऑफ इट्स वेट। मैंने क्या मान लिया, माना चेन का पर यूनिट वेट स्मॉल डब्ल्यू है, पर यूनिट वेट की बात कर रहा हूँ, क्या होता है देखना बेटा। मान लिया जाए ये एक छोटी सी ये यूनिट है, इसका वेट कितना है डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक फिर एक यूनिट है, इसका वेट कितना है फिर डब्ल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कोई तीसरी यूनिट है, इसका वेट कितना है स्मॉल डब्ल्यू, ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि चेन की जो टोटल लंबाई है, मेरे को चेन की लंबाई दे रखी है एल, तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी होगी एल अपॉन टू, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके और इस सी पॉइंट से लेकर ये वाली एल अपॉन टू, और ये भी यहाँ से यहाँ तक एल अपॉन टू होगी सी से लेकर कितनी ए तक। ओके क्लियर, आगे की बात करता हूँ, मेरे को गिवन दैट जो मेरे को दिया है, गिवन दैट मेरे पास सी बी जो होगा, सी बी होगा एल अपॉन टू एंड सी ए बी होगा कितना, सी ए इज इक्वल टू होगा मेरे पास एल अपॉन टू, क्लियर है ना। एक लाइन और भी है जो मेरे को दी हुई है जिसका मैं यूज करने जा रहा हूँ, आगे देखना बेटा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा है कि विच कैन बी जस्ट बियर ए टेंशन एंड टाइम ऑफ इट्स वेट, यानी कि मेरे को गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट
पी इज इक्वल टू जो है वो दे रखा है मेरे को एन टाइम इंटू वेट के एल इंटू डब्लू। क्लियर? ध्यान से देखना भाई एल डब्लू कैसे निकला है। चूंकि चेन का पर यूनिट वेट कितना मान रखा है मैंने, मेरे पास स्मॉल डब्लू है तथा चेन की लंबाई, चेन की लेंथ एल है, तो जाहिर सी बात है तो चेन का कुल वेट जो होगा, तो चेन का वेट एल इंटू डब्लू होगा। ओके, और मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है द टेंशन टेंशन इज एन टाइम ऑफ इट्स वेट, यानी टी इज इक्वल टू एन एल डब्लू। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ, जहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखता हूँ क्या हो रहा है। ये तो है मेरा क्वेश्चन भाई, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। जाहिर सी बात है ये जो कॉमन कैटेनरी है, मैंने इसको ब्रेक किया, कॉमन कैटेनरी का जो टी है ना, जब ये एंगल्स आई है तो यहाँ से अगर मैं ऐसे इसकी बात करता हूँ, इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ता हूँ, ऐसे ये वाला एंगल कितना होगा, सही होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ का जो कंपोनेंट है कितना होगा, टी को सही होगा। इस तरफ का जो कंपोनेंट है कितना होगा, टी साइन सही होगा। आपके सामने है इधर जो टी है, जाहिर सी बात है जितना तनाव इस सिरे के ऊपर होगा कॉमन कैटेनरी के, उतना ही तनाव इस सिरे के ऊपर होगा। अगर मैं इसको भी ब्रेक करता हूँ तनाव को, और तनाव दोनों तरफ बराबर होगा, इस तरफ मेरा कितना होगा भाई कंपोनेंट, टी कोसाई होगा, और ऊपर की तरफ यहाँ से जो ये जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ कितना होगा कंपोनेंट, ये होगा मेरे पास टी साइन साई। क्लियर है ना? आगे देखता हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होना है मेरे पास। साम्यावस्था की बात करूँगा, साम्यावस्था में ये जो टी साइन साई है और ये जो टी साइन साई है, मेरे पास होगा टी साइन साई प्लस टी साइन साई किसके बराबर होगा भाई, ये होगा मेरे पास चेन के टोटल वेट के बराबर होगा। क्योंकि ऊपर की तरफ जो तनाव लगा हुआ है ना, ऊपर की तरफ जितना तनाव है उसको बैलेंस करने के लिए उसका वेट के बराबर होगा, और चेन का वेट जो है मेरे पास एल इंटू डब्ल्यू है। ओके, ध्यान से देखो आप, ऊपर की तरफ जो तनाव लगा हुआ है ना उसको रिकवर करने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में, यहाँ जो तनाव है वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू इंटू एल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा तनाव भाई, ये होगा वेट ऑफ द चेन यानी एल इंटू डब्ल्यू के बराबर होगा। क्लियर? चेन के वेट के बराबर होगा ये जो लिखा हुआ है। समझ आ चुकी बात? आप खुद भी देख सकते हो भाई, उतना ही तो तनाव होगा जितना वेट है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर का जो तनाव होगा इतना ही होगा जितना इसका वेट है। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ आ चुकी होगी। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया, टी साइन साई प्लस टी साइन साई, टू टी साइन साई इज इक्वल टू एल इंटू डब्लू, यानी टी साइन साई इज इक्वल टू एल डब्लू डिवाइडेड बाई टू। बट गिवन दैट क्या दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू कितना है, देखो आप ध्यान से, टी इज इक्वल टू है मेरे पास, बट गिवन दैट कैपिटल टी इज इक्वल टू एन एल डब्लू, एन एल डब्लू, मैंने टी की वैल्यू पुट की और रिजल्ट निकाल लिया। ओके, टी की वैल्यू पुट करता हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ बेटा, आप
अभी तो हिलाने विलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी टी का मान रखा, ये हुआ मेरे पास एन एल डब्लू साइंस आई इज इक्वल टू एल डब्लू अपॉन टू एल एल कैंसिल आउट डब्लू डब्लू कैंसिल आउट. कितना निकला मेरे पास यहाँ से, यहाँ से देखना है आपको, इधर निकला मेरे पास एन इंटू साइंस आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू. साइंस आई की वैल्यू निकाली मैंने, साइंस आई मेरे पास निकला वन अपॉन टू एन. क्लियर है ना. मेरे पास एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर साई बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर साई. मैंने यहाँ से कोस स्क्वायर साई की वैल्यू निकाली, मेरे पास रिजल्ट निकला वन माइनस साइन स्क्वायर साई की वैल्यू डाली वन अपॉन टू एन का कंप्लीट स्क्वायर. यहाँ से मेरे पास कोस साई की जो वैल्यू निकली कितनी निकली भाई, कोस स्क्वायर साई बराबर निकला वन माइनस वन अपॉन फोर एन स्क्वायर. मेरे पास कोस स्क्वायर साई का रिजल्ट आया, मैंने क्रॉस गुणा किया फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एन स्क्वायर. कोस साई की वैल्यू निकली कितनी, अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एन स्क्वायर. ओके, मेरे पास सेक साई जो होता है, सेक साई होता है वन अपॉन कोस साई. मैंने सेक साई की वैल्यू निकाली, मेरे पास निकली वन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एन स्क्वायर. यानी यहाँ से सेक साई का जो रिजल्ट आया, सेक साई इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन, अलग अलग के ऊपर रूट लगा दिया, बड़ा रूट है ये, ध्यान से देखना बेटा गलती ना हो जाए, अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर. क्लियर है ना. फोर सेक्स आई की वैल्यू वन अपॉन फोर एन स्क्वायर, अलग अलग के बटे के ऊपर रूट लगाने के बाद ये आ चुका. आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकला सेक्स आई का, सेक्स आई मेरे पास कितना हुआ भाई, सेक्स आई बराबर, ये तो ऊपर पहुँच गया, अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर बटे अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन. फोर एन स्क्वायर को लिख सकता हूँ अंडर द रूट टू एन का कंप्लीट स्क्वायर बटे अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन. ये इससे कैंसिल, सेक्स आई बराबर हुआ मेरे पास टू एन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन. सपोज दैट ये इक्वेशन मेरी ए निकली. आगे देख रहा हूँ भाई, मेरे पास जो होता है, ध्यान से देखना है बेटा, मेरे पास होता है वन प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू होता है मेरे पास सेक स्क्वायर साई. मैंने यहाँ से टेन स्क्वायर साई की वैल्यू निकाली, टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू हुआ मेरे पास सेक स्क्वायर साई माइनस के वन. और यहाँ से मैं टेन साई की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, टेन साई बराबर होगा अंडर द रूट सेक स्क्वायर साई माइनस के वन. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से टेन साई की वैल्यू निकाली, टेन साई बराबर अंडर द रूट सेक स्क्वायर साई की वैल्यू डाल दी. ध्यान से देखना बेटा, सेक स्क्वायर साई बोले तो टू एन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर और माइनस के वन. ओके, मेरे पास यहाँ से निकला टेन साई बराबर अंडर द रूट, ऊपर तो निकला मेरा फोर एन स्क्वायर बटे, नीचे निकला फोर एन स्क्वायर माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर, और ये माइनस वन ये इससे कैंसिल आउट.
मेरे पास टेन साई इज इक्वल टू अंडर द रूट कितना निकला भाई, फोर एन स्क्वायर बटे कितना, फोर एन स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ आया माइनस के वन, यहाँ से मेरे पास हुआ बेटा टेन साई इज इक्वल टू अंडर द रूट, मैंने क्रॉस गुणा किया, फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के वन बटे फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, ये इससे कैंसिल, आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास टेन साई की जो रिजल्ट आया वो ये निकला, टेन साई इज इक्वल टू अंडर द रूट वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, और इससे पहले सेक्स आई का जो रिजल्ट आ चुका था मेरे पास वो ये आया था, सेक्स आई बराबर कितना था भाई, सेक्स आई मेरे पास था टू एन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, ये मेरे पास सेक्स आई का रिजल्ट था। आगे देखता हूँ, कॉमन कैटेनरी में हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं एस बराबर कितना होता है सी इंटू टेन साई सूत्र से, ओके एस की वैल्यू कितनी है आपको पता है, एल अपॉन टू है, तो जाहिर सी बात है एल अपॉन टू इज इक्वल टू सी इंटू टेन साई की वैल्यू कितनी है भाई, ध्यान से देखना है आपको, अंडर द रूट वन अपॉन अंडर द रूट वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, अलग अलग के ऊपर रूट चढ़ा रहा हूँ, पहले एल अपॉन टू इज इक्वल टू सी इन टू, इसको लिख सकता हूँ अंडर द रूट वन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, ओके इधर हल कर रहा हूँ, एल अपॉन टू इज इक्वल टू सी रूट वन की वैल्यू वन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से सी की वैल्यू निकाली एल इंटू अंडर द रूट कितना निकला भाई, फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू सी, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ चुका, आपको कोई आपत्ति नहीं है, एक रिजल्ट मेरे पास ये रखा हुआ है और एक रिजल्ट मेरे पास ये रखा हुआ है, जिन जिन का मैं यूज़ करूँगा। मेरे को चाहिए है क्या भाई, मेरे को चाहिए है सैग, ध्यान से देखना बेटा, चूंकि पी सी इज इक्वल टू, पी सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, अगर मैं ओ पी के अंदर से मैं कितना घटा दूँ, ओ सी घटा दूँ, और हम जानते हैं कि ओ पी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ओ पी बराबर होता है कितना, वाई, क्लियर है ना, ये हम जानते हैं, हमें पहले से ही पता है ओ पी इज इक्वल टू तो होता है मेरे पास वाई, एंड हम क्या जानते हैं भाई, हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं वाई बराबर कितना होता है, वाई बराबर होता है सी इंटू सेक्स आई, आपको पता है फार्मूला होता है, तो जाहिर सी बात है मेरे को पी सी जो कैलकुलेट करना है, पी सी बराबर जो निकला वो निकला ओ पी माइनस के ओ सी, मेरे को चाहिए है वैल्यू किसकी, पी सी की, ओ सी सॉरी ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू वाई, एंड वाई इज इक्वल टू कितना, ओ पी बराबर है वाई माइनस के ओ सी की वैल्यू सी, तो ओ पी सी कितना निकल गया यहाँ से भाई, पी सी वाई की वैल्यू कितनी, सी इंटू सेक्स आई माइनस के सी, मेरे को पी सी निकालना है, पी सी इज इक्वल टू सी मैंने कॉमन ले लिया, ये निकला मेरे पास सेक्स आई माइनस के वन। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ तक पहुँचने के बाद ध्यान से देखना बेटा, पहले सी की वैल्यू लिख लूँ उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा, मेरे पास
सी बराबर है एल अपॉन टू अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन आपके सामने है, और मेरे को टेन साई की सेक्स आई की वैल्यू और चाहिए। सेक्स आई मेरे पास कितना है भाई, सेक्स आई है टू एन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, दो वैल्यू की ज़रूरत थी, मैंने दोनों उठा ली। आगे देख रहा हूँ मेरे को कितना चाहिए है भाई, पी सी इज इक्वल टू सी इंटू सेक्स आई माइनस के वन। ओके पी सी कैलकुलेट करने के लिए मैंने सी की वैल्यू डाली एल अपॉन टू, ऊपर है मेरे पास अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन इंटू सेक्स आई की वैल्यू है मेरे पास टू एन अपॉन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन, और ये निकला माइनस के वन। मैंने इसका अंदर गुणा कर दिया, पी सी इज इक्वल टू कितना, एल तो रखा है मैंने बाहर, अंदर गुणा किया मैंने टू एन अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इन टू अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन माइनस इसका अंदर गुणा किया मैंने अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस के वन। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ भाई। और एक चीज़ और भी है बेटा, इसका जो इस तरफ गुणा किया दो यहाँ भी होगा बेटे, में सारे का गुणा कर रहा हूँ ना मैंने गुणा किया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट टू का, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट टू का यहाँ गुणा किया, और इस वाले स्टेप का गुणा, ये वाला स्टेप अंडर रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट टू का गुणा अगले वाले स्टेप के अंदर कर दिया। दो से दो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पी सी इज इक्वल टू एल, यहाँ से निकला एन माइनस, ध्यान से देखना बेटा यहाँ क्या निकला, अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, पी सी इज इक्वल टू एल एन माइनस, यहाँ से मैंने फोर एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर कॉमन, कितना बचा वन माइनस के, कितना बचा भाई, या एक काम करो टू कॉमन ले लो आप सीधा सीधा, या फोर कॉमन ले लो, ऐसे नहीं करता, स्टेप बढ़ जाएगा। पी सी इज इक्वल टू एल इंटू एन माइनस, मैंने यहाँ से फोर कॉमन लिया अंडर द रूट, मैंने फोर कॉमन ले लिया, क्या बचा एन स्क्वायर माइनस एक बटे चार, बटे में कितना है दो। आगे की तरफ चलता हूँ, पी सी इज इक्वल टू एल इंटू एन माइनस, चार रूट से बाहर, दो इंटू अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस एक बटे चार बटे दो, दो से दो कैंसिल। आगे की तरफ चलता हूँ, पी सी इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, पी सी इज इक्वल टू एल इंटू एन माइनस अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर। मेरे को कितना लाना था भाई, मेरे को सिद्ध करना था कि सेग पी सी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू एल इंटू एन एन स्क्वायर माइनस के वन बाई फोर, और यही आपका आंसर। आपको अगर कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, एंड एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। और हाँ बच्चों, मैं कल और परसों से 10 ईयर सीरीज उठाने जा रहा हूँ जैम की, IIT जैम का जो MSc के लिए एग्जाम होता है उसकी 10 ईयर सीरीज उठा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो, एक एक क्वेश्चन पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा। ओके बाय।